नमस्कार, मैं आयुषी, प्राइड ऑफ बॉर्डरलैंड में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के बीजेपी नेता की कार पर पेट्रोल बम से हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। राज्यसभा में हंगामा नहीं थमने से उपराष्ट्रपति हुए नाराज, कर दिया डिनर कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC ST एक्ट में अब नहीं हो सकेगी तत्काल गिरफ्तारी। जावड़ेकर ने कहा UGC ने 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी। यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर ने दिया अपने पद से इस्तीफा। गोवा में गडकरी ने जल मार्गों के सुधार पर जोर दिया, कहा यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। कर्नाटक में लियांगत समुदाय को अलग धर्म की मान्यता देने को लेकर कांग्रेस में उभरे मतभेद। कांग्रेस ने कहा मोसुल में मारे जा चुके थे भारतीय, लेकिन देश को गुमराह करती रही मोदी सरकार। DNA रिपोर्ट देखना चाहते हैं मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के परिजन। PM मोदी ने जिनपिंग को फोन कर दी बधाई, मजबूत संबंधों पर दिया जोर। शी जिनपिंग ने कहा किसी को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हमारी सेना खून बहाने को भी तैयार। पाक को आतंकी प्यारा लगे, JUD पर लिखी किताब के विमोचन में हाफिज सईद की तारीफ। लश्कर प्रमुख को पाकिस्तान NSA ने लिखी चिट्ठी, कहा मुझे इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहे। सलमान खान को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के मामले में SC से राहत। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइड ऑफ बड़ैंग के साथ।